हेलो डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बच्चों ये क्लास फाइव का कंप्यूटर बुक है चैप्टर थ्री है ऑपरेटिंग सिस्टम जब कोई भी कंप्यूटर हम लेते हैं तो सबसे पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम उसका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है उसके बाद वह काम करता है अदरवाइज़ वो सिर्फ़ एक मशीन रहता है बिना सॉफ्टवेयर के कोई भी कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर उसमें होता है ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा सा पढ़कर कुछ समझ लेंगे उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है चिल्ड्रेन हैव यू यूर नोटिस द जॉब ऑफ ये सेक्रेटरी इन एन ऑफिस आप कभी देखें कि सेक्रेटरी एक ऑफिस में किस तरह से काम करती है सेक्रेटरी यूटिलाइज एंड मैनेज ऑल द रिसोर्स अवेलेबल इन द ऑफिस टू गेट द डिजायर जॉब डन वहाँ पे जितने भी काम रहता है उस सारे काम को मैनेज करने वाली जो होती है उसको सेक्रेटरी कहा जाता है तो इसी तरह का जो कंप्यूटर जो होता है सारे काम को एक साथ करता है इसलिए वो सेक्रेटरी की तरह कंप्यूटर भी उसी तरह से काम करता है द सेक्रेटरी ऑल्सो वर्कस एज मेडिटर बिटवीन द बॉस एंड द ऑफिस स्टाफ द सेक्रेटरी कन्वेज ऑर्डर ऑफ द बॉस टू द ऑफिस स्टाफ एंड देन गिव्स द फीडबैक टू द बॉस सेक्रेटरी बॉस और स्टाफ के बीच में एक कम्युनिकेशन बनी हुई रहती है एक कड़ी बनी हुई रहती है यहाँ का काम वहाँ और वहाँ का काम यहाँ करके मैनेज करती है तो उसी तरह से कंप्यूटर भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ही कुछ काम करता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेस एंड वर्क एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर उसी प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर जो होता है उसको चलाने वाला जो होता है उन लोगों के बीच तालमेल बैठाता है इट बिगेंस द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर और ये कंप्यूटर को चलाना शुरू करता है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर का यूजर जो होता है और कंप्यूटर का हार्डवेयर इन दोनों के बीच में तालमेल रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑलसो कॉल्ड एज कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है इट वर्क्स विद सम स्पेसिफिक प्रोग्राम विच इज़ ऑलवेज प्रजेंट इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इंटरनली इट कंट्रोल द इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ सी पी यू ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम होता है उन सबको मैनेज करता है उन सबको चलाता है और जितने भी आउटपुट डिवाइस होता है इनपुट डिवाइस होता है उन सबको भी कंट्रोल करता है तो ये सी पी यू को कंट्रोल करता है सी पी यू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है द प्रोसीड्यूर ऑफ लोडिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इन टू द कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ टर्म एज बुटिंग जब हम लोग किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो उसको बूटिंग कहा जाता है सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ जो ज़रूरी वर्क है इम्पॉर्टेंट वर्क है उसके बारे में दिया हुआ है इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस ऑफ वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से कई सारे डिवाइस को जोड़ लेती है जैसे कि माउस हो गया कीबोर्ड हो गया मॉनिटर हो गया इन सारे चीज़ों को एक साथ वो चलाती है इट पास द इंटक्शन ऑफ ए यूजर टू रेस्पेक्टिव लोकेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फॉर एक्सक्यूशन यह यूज़र के द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शन को पास करता है मतलब सी तक प्रोसेसिंग में ले जाता है इट इनेबल्स द यूज़र एंड द सॉफ्टवेयर टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए गए संकेतों को यह हार्डवेयर के द्वारा काम करवाता है इट प्रोवाइड्स यूनिक प्लेटफॉर्म टू रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ये अलग अलग तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको रन करवाता है उसको चलाता है इट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ रिटर्विंग स्टोरिंग नेमिंग एंड प्रोटेक्टिंग फाइल्स सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर एम एस विंडो लिनिक्स यूनिक्स ई टी सी ऑपरेटिंग सिस्टम का और काम क्या होता है सभी चीज़ों को ये सुरक्षित रखता है नाम लिख के रख सकते हैं फाइल को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं इस तरह से कई सारे इसका काम होता है और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि एम एस विंडो एम एस डोज भी पहले चलता था पुराना हो गया है यूनिक्स और लिनिक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जो बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यही बना हुआ था और आज भी बहुत सारे जगहों में ये भी यूज़ हो रहा है और लिनिक्स भी यूज़ हो रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ वाइडली यूज जी ओ आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाइडली मतलब ग्लोबल रूप में पूरी दुनिया में यह यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर अपने पर्सनल कंप्यूटर इसी के लिए यूज़ किया जाता है विंडोज़ वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन नाइनटीन एटी फाइव और ये ऑपरेटिंग सिस्टम उन्नीस सौ पचासी में डेवलप हुआ था बना था इट्स डिफरेंट वर्सन ओवर द ईयरस आर साल साल में इसके कई सारे वर्सन बदलते गए तो यहाँ पे देखिए कितना सारा वर्सन बना हुआ विंडो थ्री पॉइंट जीरो यहाँ से फोर 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 मतलब टूल्व वर्सन यहाँ पे बतला रहा है तो यहाँ पे एट पॉइंट वन दिया हुआ है और अभी जो है विंडो टेन चल रहा है करेंट वर्सन में जब हम लोग कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे थे उस समय विंडो नाइन्टी एट उस समय लेटेस्ट वर्सन था और उसके बाद फिर विस्टा आया एक्सपी आया और फिर विंडो सेवन अभी विंडो सेवन लोग यूज़ करते हैं विंडो एट विंडो टेन अभी लेटेस्ट वर्सन विंडो टेन है अमॉन्ग ऑल इट्स वर्सन विंडोज़ 8.1 पॉइंट वन इज़ द लेटेस्ट वर्सन ऑफ विंडोज़ तो ये जितना जिस प्रकार से ये पुरानी बुक है उसके अनुसार से दिया हुआ है कि 8.1 जो है लेटेस्ट वर्जन है लेकिन हम लोग जानते हैं कि एट टेन विंडो टेन जो है वो लेटेस्ट वर्जन है स्विच ऑन द कंप्यूटर इफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंस्टॉल इन द कंप्यूटर इज ऑटोमेटिकली गेट्स लोडेड एंड ओपन विद द स्टार्ट स्क्रीन या आप स्विच ऑन जब करते हैं अपने कंप्यूटर को और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है तो फिर आपको स्टार्ट होने के बाद इस तरह का विंडो दिखाई पड़ेगा इसको डेस्कटॉप बोला जाता है यहाँ पे देख रहे हैं डेस्कटॉप और ये यहाँ पे क्लिक करने से प्रोग्राम आपको दिखाई पड़ेगा इसके अलावा जो है इतने सारे ऐप्स हैं यहाँ से यहाँ तक एप्स के द्वारा ये काम करता है उसके बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा वैन वी क्लिक ऑन डेस्कटॉप ऐप इन द स्टार्ट स्क्रीन इट अपियस एज जब स्टार्ट स्क्रीन पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको विंडो दिखाई देगा जहाँ पे आइकन्स ये सब आइकन्स कहलाता है एक्टिव टास्क यहाँ पे एक्टिव टास्क आप क्या काम कर रहे हैं क्या चल रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा इसको टास्क बार कहा जाता है सिस्टम ट्रे और क्लॉक यहाँ पे घड़ी रहता है इसके आगे यहाँ पे है सम कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज डेस्कटॉप आर डेस्कटॉप में कुछ कंपोनेंट्स जो आइकन के रूप में दिखाई देता है वो आपको ये सब रहता है डॉक्यूमेंट्स रहता है इट स्टोर्स फाइल्स और अदर डॉक्यूमेंट्स विच द यूजर वांट्स टू क्विकली एक्सेस और विच डू नॉट हैव एनी और इस्पेसिफाइड लोकेसन डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा जगह होता है जो कोई भी हम फाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं डायरेक्टली वो वहाँ जाके सेव हो जाता है जब तक कि हम उसको दूसरा लोकेशन नहीं बतलाते हैं उसके बाद रिसाइकल बिन किसी भी फाइल फोल्डर को जब हम डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है रिसाइकल बिन में ये रिसाइकल बिन और अगर हम उसे यूज़ करना चाहते हैं तो रिसाइकल बिन से फिर से रिस्टोर कर सकते हैं लेकिन अगर हम रिसाइकल बिन को इमपट्टी कर देते हैं खाली कर देते हैं तो फिर हम उसको रिस्टोर नहीं कर पाएंगे उसके बाद टास्क बार टास्क बार जो होता है ये यह यहाँ पे जो लाइन दिखाया गया है स्क्रीन जो पूरा डेस्कटॉप स्क्रीन जो होता है उसके नीचे में रहता है बॉटम में यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क बार लाइज एट द बॉटम ऑफ द विंडो स्क्रीन विंडो स्क्रीन के नीचे भाग में निचला भाग में रहता है और उसमें कई सारे एक्टिव आइकोन रहते हैं जिसको आप एक्टिव कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से खोल सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे एक सिस्टम्स कुछ दिखाता है जैसे कि यहाँ पे नेटवर्क आपको दिखाई देगा अगर इंटरनेट से आप जुड़ते हैं यहाँ पे स्पीकर दिखाई देगा और यहाँ पे आपको टाइम दिखाई देगा डेट दिखाई देगा इस तरह से यहाँ पर रहता है इसको सेट भी कर सकते हैं यहाँ से सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग इसका ओपन हो जाएगा रनिंग एन अप्लीकेशन इन विंडोज़ अब विंडो में किसी भी एप्लीकेशन को कैसे रन करते हैं क्लिक ऑन रिक्वायर्ड ऐप टू द ओपन इन द Windows एट गेट वे स्क्रीन दे सेलेक्ट प्रोग्राम विल बी ओपेंड किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए मतलब उसको चलाने के लिए आप उस पर या तो क्लिक करते हैं वो स्टार्ट हो जाएगा या फिर अगर सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना होगा अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो फिर इंस्टॉलेशन के लिए वह इंस्ट्रक्शन देगा जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर प्रोग्राम फाइल में आप प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा या फिर डेस्कटॉप पर उसका आइकन बन जाता है यहाँ पे लिनक्स दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में दिया हुआ है ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और 1991 में ये बना था द यूनिवर्सिटी ऑफ हलसिंकी इन फिनलैंड बाय बाई लिनिस टॉरवेल्ट लिनिस टॉर्वेल्ट ने बनाया था इसीलिए इसका नाम इस तरह से दिया गया है लिनक्स दिया गया है और ये फिनलैंड में बना हुआ था नाइन्टीन में इट्स वर्सन वन पॉइंट वाज रिलीज इन द ईयर्स नाइनटीन तो इतना समय में ये बना और फर्स्ट में 1.0 वर्जन इसका रिलीज़ किया गया था उन्नीस सौ चौरानवे ईस्वी में लिनिक्स इज़ ए फ्री वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा क्या विंडो जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है अगर आप लीगल रूप से यूज़ करना चाहते हैं तो अदरवाइज़ तो बाकी लोग तो फिर इसको इनलीगल तरीके से ही यूज़ करता है जितने भी जगह होता है वो सब इनलीगल तरीके से ही यूज़ होता है या फिर बहुत बड़े बड़े बैंक वगैरह या हॉस्पिटल वगैरह जो होता है उसको रजिस्टर करवा लिया जाता है तो यहाँ पे सम पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनिक्स ओ एस आर रेड हैट तो लिनिक्स के द्वारा जो कुछ वर्सन पॉपुलर वर्सन बना हुआ है उसका नाम है रेड हैट उसके बाद मैं ड्रैक बॉस इंडिया टक्स द पेंगविन इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये टक्स का प्रोग्राम है इसमें टक्स एक पेंट जैसा होता है तो उसी का प्रोग्राम इसमें टक्स कहा जाता है लिनिक्स बॉस इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है बॉस का फुल फॉर्म भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन इन एन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिनिक्स डिजाइन बाय सी डी ए सी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इंडिया इसको इंडिया में क्रिएट किया गया है इस लिनिक्स बॉस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको इंडिया में डिजाइन किया गया है सी डी ए सी इसके द्वारा डिजाइन किया गया है जो कि इंडिया में ये सूटेबल है लेट्स सी हाउ टू वर्क विथ लिनिक्स बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखते हैं कि लिनिक्स बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करता है इफ़ इट इंस्टॉल इन द कंप्यूटर दैन अगर आप कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल करते हैं तो फिर क्या होता है स्विच ऑन द कंप्यूटर द लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम गेट्स ऑटोमेटिकली लोडेड जब आप अपने कंप्यूटर पे लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो जाता है और फिर कुछ चीज़ें आपसे पूछता है जैसे कि ये स्क्रीन अपीयर्स विच आस्क द यूजर नेम तो यूजर नेम जो कंप्यूटर चलाएगा या जिसके नाम से कंप्यूटर अपना रखेगा वो तो उसका नाम टाइप कर लेना है टाइप द यूज़र नेम एंड प्लेस इंटर की नाम टाइप करने के बाद एंटर दबा देना है इन द सेम स्क्रीन और फिर वहाँ पे आपको पासवर्ड मांगता है टाइप पासवर्ड अगर पासवर्ड आप रखना चाहते तो रख सकते हैं नहीं रखना चाहते तो नहीं रख सकते हैं वेरीफाइज द यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिर वो चेक करता है देन द लिनिक्स डेस्कटॉप स्क्रीन अपियर और फिर वो चालू हो जाता है उसका डेस्कटॉप दिखने लगता है तो डेस्कटॉप आपको इस तरह से दिखाई देता है इस तरह से यहाँ पे आइकॉन रहता है मैन पैनल यहाँ पे जो टास्क बार होता है उसको मैन पैनल बोला जाता है उसके बाद डेस्कटॉप तो आपका ये हो गया डेस्कटॉप बटन यहाँ पे होता है और मेन मेनू बटन ये जो स्टार्ट बटन होता है मेनू बटन और फ्री स्पेस यहाँ पे खाली जगह होता है फिर आपको यहाँ पे बोस का ये सिंबल दिखाई देता है और फिर यहाँ घड़ी होता है ये कौन सा एरिया नोटिफिकेशन एरिया जो होता है यह यहाँ पर होता है ये नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पर होता, यह यह होता है यहाँ पर कई सारी चीज़ नेटवर्क वगैरह जो दिखाई देते हैं यहाँ पर स्पीकर वगैरह दिखाई देगा इस तरह से लीनेक्स डेस्कटॉप शो करने लगता है सम कॉम्पोनेट्स ऑफ डेस्कटॉप इन बॉस लिनिक्स आर तो कॉम्पोनेट्स कुछ जैसे कि विंडो में दिखाई दे रहा था आपको डॉक्यूमेंट्स रिसाइकल बिन इस तरह का तो इसमें भी आपको दिखाई देगा तो इसमें आइकॉन्स दिखाई देगा दीज आर स्माल पिक्चर्स बटन जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देते हैं इस इस तरह का आपको दिखाई देगा वो आईकॉन्स कहा जाता है वैसे भी आप लोग आइकॉन्स के बारे में जानते ही हैं और होम एक होम होता है इस तरह से दिखाई देगा तो दिस फोल्डर कॉन्टेंट्स द लिंक टू डिफरेंट डायरेक्ट्रीज एंड फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम तो आपको ये जैसे कि माई कंप्यूटर जो होता है और विंडो में उसी तरह से होम जब आप खोलेंगे तो उसी तरह से आपको दिखाई देगा कि उसमें कितने सारे डायरेक्टरी हैं कितने सारे फाइल्स हैं इस तरह से शो करेगा उसके बाद ट्रास होता है इसमें जो रिसाइकल बिन वहाँ पर हम लोग रिसाइकल बिन देखते हैं तो यहाँ पर ट्रास होता है इस नाम से तो यहाँ भी वही काम होता है आप जब भी आप डिलीट करते हैं फाइल और फोल्डर को तो डायरेक्टली वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर बाद में उसको रिस्टोर कर सकते हैं या फिर वहाँ से अगर आप डिलीट कर देते हैं फिर आपको रिस्टोर फिर आप वहाँ से रिस्टोर नहीं कर सकते हैं पैनल जो विंडो में हम बॉटम में जो है टास्क बार देखते थे वही पैनल है तो वहाँ पे कई सारे एप्लीकेशन एक्टिव एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगे या फिर आप वहाँ से डायरेक्ट एप्लीकेशन को एक्टिव कर सकते हैं मेन मेन्यू बटन दिस बटन इज़ प्रजेंट एट द बॉटम रिवॉर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द मैन पैनल तो ये सेटिंग के लिए होता है और इसीलिए इसको मेन मेन्यू बटन कहा जाता है रनिंग एन एप्लीकेशन इन लेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जब दूसरा कोई एप्लीकेशन आप इस पर रन करते हैं तो ये किस तरह से वर्क करता है यू कैन रन डिफरेंट प्रोग्राम और अप्लीकेशन ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑप ए प्रोग्राम और अप्लीकेशन इन लिनिक्स फॉलो द स्टेप इसको स्टार्ट करने के लिए कोई भी दूसरे एप्लीकेशन या प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए इस स्टेप को अपनाना है तो यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है पोजिशन द माउस पॉइंटर ऑन द मैन मेनू बटन आईकॉन इन द मैन पैनल एंड क्लिक द माउस बटन ए पॉपअप मेनू अपियर अब जब उसमें जाते हैं और माउस के द्वारा क्लिक करते हैं उस पर जो प्रोग्राम होता है या जो सॉफ्टवेयर को आप रन कराना चाहते हैं तो वहाँ पे एक मेनू खुलता है पॉपअप मेनू इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से खुलता है पोजिशन द माउस पॉइंटर ऑन द डिजायर्ड प्रोग्राम और एप्लीकेशन एंड क्लिक ऑन इट और वहाँ से सभी जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे दिखने लगते हैं तो वहाँ से आप जाके उस पर क्लिक कर सकते हैं और वो स्टार्ट हो जाएगा इफ़ द प्रोग्राम एप्लीकेशन इज़ कॉन्टेंट विद इन सब मेनू देन गो टू द सब मेनू एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड ऑप्शन टू ओपन द प्रोग्राम और फिर वहाँ पे जाने के बाद इस तरह से जब आपको दिखाई देता है ब्लैक ब्लैक इस तरह से तो इसमें जाने के बाद आपको फिर वहाँ से सब मेनू खुल जाता है और वहाँ से जो ऑप्शन उससे खुलेगा वहाँ पर जाइए और फिर वहाँ पर क्लिक कीजिए फिर वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है वर्किंग विथ फोल्डर्स तो फोल्डर पे किस प्रकार से जाके हम लोग काम कर सकते हैं ये फोल्डर रेफर टू ए कॉन्टेंट ऑन द डेस्क दैट स्टोर फाइल और लिंक्स टू डिफरेंट सब फोल्डर्स एंड फाइल्स एक फोल्डर में और भी कई फ़ोल्डर हो सकते हैं फाइल हो सकते हैं या फिर आ, डिफरेंट लिंक्स हो सकते हैं जिसको आप सेव करके लख, रखते हैं फिर उसके अंदर जाके हम उसको खोलते हैं लेट्स लर्न हाउ टू क्रिएट रीनेम कॉपी और मूव ए फोल्डर इन लिनिक्स बॉस तो लिनिक्स बॉस में इस तरह से हम एक फोल्डर को बनाते हैं उसका नाम चेंज करते हैं कॉपी करते हैं या फिर वहाँ से वहाँ मूव करते हैं लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में बताया हुआ है तो जैसे कि हम लोग न्यू फोल्डर बनाने के लिए क्या करते हैं राइट right क्लिक करते हैं किसी भी खाली जगह पर और वहाँ पर एक मेनू खुल जाता है जहाँ पर दिखाई पड़ता है क्रिएट न्यू तो क्रिएट न्यू पे जाने के बाद फिर एक सब मेनू खुलता है और वहाँ पे फोल्डर लिखा रहता है जैसे कि ऑप्शन फोल्डर यहाँ पे लिखा हुआ है और फिर वहाँ पे जाते हैं और क्लिक करते हैं तो एक फ़ोल्डर बन जाता है और वहाँ पे नाम लिखने के लिए हमको जगह देता है फिर हम नाम टाइप करते हैं और बाहर में क्लिक कर देते हैं या फिर इंटर दबा देते हैं तो फिर वो एक न्यू फोल्डर बन जाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से इसमें बतलाया हुआ है और आगे में दिया हुआ है रीनेम ए फोल्डर तो रीनेम मतलब उसका नाम अगर हम कुछ रखे हैं ए रखे हुए हैं और अगर नाम हमको बी रखना है तो फिर हम किस तरह से उस पर जाते हैं राइट क्लिक करते हैं उस फोल्डर पर जाके मॉस के द्वारा राइट क्लिक करते हैं और फिर एक मेनू खुलता है वहाँ पर तो वहाँ पर रीनेम लिखा हुआ रहता है वहाँ जाके क्लिक करते हैं तो फिर जो है आ, उसको दूसरा नाम लिखने के लिए हमको ऑप्शन दे देता है और इस तरह से फिर वहाँ पे नाम टाइप करते हैं और इंटर करते हैं तो दूसरा नाम उसका चेंज हो जाता है या फिर यहाँ पे दिया हुआ है ऐप टू क्लिक करते हैं किसी भी फोल्डर को जाके क्लिक करते हैं सेलेक्ट करते हैं पहले और फिर ऐप टू प्रेस करते हैं तो फिर उसमें हमको रीनेम करने का ऑप्शन मिल जाता है फिर नाम टाइप करते हैं और फिर इंटर दबाते हैं और उसका नाम चेंज हो जाता है उसके बाद टू तो कॉपी ए फोल्डर फोल्डर को कॉपी करने के लिए देता है तो फोल्डर को कॉपी कैसे किया जाता है लगभग आज के डेट में सभी लोग जानते हैं जैसे कि मोबाइल में जिस तरह से कॉपी किया जाता है उसी तरह से कंप्यूटर में भी उसी तरह से होता है तब कहीं पे किसी फोल्डर में जाते हैं और फिर उसको सेलेक्ट करते हैं फिर सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी का कौप ऑप्शन देता है फिर आप कॉपी करते हैं फिर जहाँ आपको पेस्ट करना है वहाँ जाते हैं और जाके वहाँ पेस्ट कर देते हैं वो फोल्डर वहाँ पर आ जाता है और दिखने लगता है वहाँ पर इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं उसके बाद दिया हुआ है टू मूव ए फोल्डर मूव फोल्डर फोल्डर को मूव करने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं या तो माउस से पकड़ के ले जाते हैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह से होता है या फिर आप फोल्डर पे राइट क्लिक करते हैं उसको कट कर लेते हैं और जहां आपको ले जाना है वहाँ पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन कट तो कट करने के बाद आप वहाँ पर पे जाके पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से एक फोल्डर को आप मूव कर सकते हैं उसके बाद डिलीट करना है किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो आप उस फोल्डर पर जाइए राइट क्लिक कीजिए डिलीट का ऑप्शन मिलेगा प्रेस डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड तो कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं टू चेंज द वाल पेपर आप अपने डेस्कटॉप का वॉल पेपर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह का ऑप्शन खुलेगा राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट द ऑप्शन कॉन्फिगर डेस्कटॉप यहाँ पे ये लिनिक्स का वर्सन है इसमें बतला रहा है आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा विंडो में आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिलता है ए विंडो ओपन विथ वेरियस ऑप्शन एक विंडो खुलता है उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं क्लिक ऑन बैकग्राउंड बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा उससे आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा ऑप्शन टू चेंज द बैकग्राउंड पिक्चर कलर और डैस्कॉप तो वहाँ पर जितने भी ऑप्शन मिलेगा आप किसी को चूज करके यहाँ पर अप्लाई करते हैं ओके करते हैं बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाता है और इसक्रीन सेवर एक होता है जैसे कि आप काफ़ी देर तक काम नहीं करते हैं तो वहाँ पे एक स्क्रीन सेवर चलने लगता है स्क्रीन पे तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं तो उसी ऑप्शन में जाना है जिसमें कि आपको बैकग्राउंड चेंज किए थे वहीं पर आपको उसके नीचे में मिलेगा स्क्रीन सेवर का ऑप्शन और उसमें जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपका स्क्रीन सेवर सेट हो जाएगा फिर वो चलने लगेगा उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि इन विंडो 8 टू चेंज द वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर आप अगर विंडो 8 में वॉलपेपर या स्क्रीन सेवर को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेनू एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज का और उसमें आप क्लिक करते हैं तो फिर वहाँ से आप वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर को चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे चैप्टर हो गया है समाप्त यहाँ पे भरने के लिए दिया हुआ फर्स्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नॉन एज यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा और बूटिंग टक्स और यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम स्टैंड्स फॉर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन इस तरह से तो यहाँ पर और भी क्वेश्चंस दिया हुआ है टू नंबर थ्री नंबर और फोर नंबर और इसमें फोर नंबर में आपको कुछ नोट्स लिखने के लिए कहा गया है जैसे कि पैनल पे टास्क बार किसे कहते हैं प्रास रिसाइकल बिन किसे कहते हैं और क्वेश्चन नंबर फाइव लास्ट ये इसका क्वेश्चन है जो कि इसमें किस किस तरह का लिनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया था और विंडो में किस किस तरह का, का वर्सन आया था तो इसको लिखने के लिए कहा रहा है तो आइए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के दे देता हूँ ये चैप्टर थ्री का क्वेश्चन आंसर वन नंबर में द ब्लैंक्स दिया हुआ है तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है आप इसको देखकर कर यहाँ से भर सकते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम राइट डाउन इट्स डिफरेंट फंक्शंस तो यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन हो जा रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम बतलाना है और इसके काम को बतलाना है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर एग्जाम्पल एम एस विंडो लिनिक्स यूनिक्स ई सम डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ काम दिया हुआ है इट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शंस ऑफ वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस। इट प्रोवाइड्स ए यूनिक प्लेटफॉर्म टू रन वेरियस सॉफ्टवेयर इट अल्सो परफॉर्म्स द फंक्शनिंग ऑफ रिटर्निंग स्टोरिंग नेमिंग एंड प्रोटेक्टिंग फाइल्स क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पे दिया हुआ है राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप स्टेप्स टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर राइट क्लिक द माउस बटन ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑन द स्क्रीन ऑफ द डेस्कटॉप ए पॉप अप मेन्यू विल अपीयर टेक द मोस्ट वॉइटेड टू क्रिएट न्यू इस सब मेन्यू अपीयर्स सेलेक्ट द क्लिक ऑन द ऑप्शन फोल्डर टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एंड क्लिक होके न्यू फोल्डर इज रेडी फॉर यूज इस प्रकार से न्यू फोल्डर बन जाएगा उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इस पर शॉर्ट नोट्स मतलब इसको पैनल की सिखाते हैं ए पैनल इज एन एरिया इन द डेस्कटॉप फ्रॉम वेयर द यूजर कैन सेलेक्ट द ऑप्शन टू रन अप्प्लीकेशन एंड परफॉर्म अदर टास्क टास्क बार द टास्क बार लाइज एट बॉटम ऑफ द विंडोज स्क्रीन देर आर मैनी स्मॉल आइकॉन्स प्रजेंट ऑन द टास्क बार ट्रास ट्रास जो रिसाइकल बिन था लिनिक्स में ऑल फाइल्स और फोल्डर्स दैट आर डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम आर स्टोर्ड इन ट्रास इट इज़ लाइक ए डस्टबिन ऑफ लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए कंप्यूटर हुज गार्बेज कैन बी री यूज रिसाइकल बिन तो रिसाइकल बिन भी वही है एनी फाइल और फोल्डर विच इज़ डिलीटेड इन विंडोज इज़ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द रिसाइकल बिंग फ्रॉम वेयर वी कैन रिस्टोर इट फॉर यूज लास्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर लिखने के लिए कहा गया था कि इसका कितना वर्सन आया हुआ है और इसका कितना वर्सन आया हुआ है जिसमें रेड हेट मैंड्रेक यू वन टू और बॉस इंडिया इसमें विंडो नाइन्टी एट विंडो एक्सपी विंडो सेवन और विंडो टेन जो लेटेस्ट वर्सन है तो यहाँ पर यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिलता है हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं